भारत निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के सभागार में 23 उप जिलाधिकारियों का ऑनलाइन एग्जाम का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 23 जनपदों के उप जिलाधिकारियों की आधे घंटे की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई है। यह परीक्षा ऑनलाइन सम्पन्न हुआ है। उन्होंने बताया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उप जिलाधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर का कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि सभी उपजिलाधिकारियों को सितंबर व अक्टूबर माह में प्रशिक्षण दिया गया था। इस परीक्षा के माध्यम से लोगों का टेस्ट लिया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, देखिए एक दो लोगों का नहीं हो पा रहा है। कोई ऐसा है जो ग्रुप में ऐड ना हुआ हो इवैल्यूएशन वाले ग्रुप में? कोई ऐसा हो जो इवैल्यूएशन वाले ग्रुप में ऐड ना हुआ हो? सभी लोग एडेड हैं सर, और सब लोगों का लगभग हो गया। और नहीं आप कौन बैठे हैं? आप आरओ हैं? नहीं तो आप आरओ नहीं है तो बाहर जाइए। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह डिप्टी डीओ एडीएम गोरखपुर हूं और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आज यहां योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षा गृह में हमारे गोरखपुर और आसपास के कुल 23 जनपदों के जो उप जिलाधिकारी हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, इनकी आधे घंटे की परीक्षा आयोजित की जा रही है और ये परीक्षा ऑनलाइन होगी। सर परीक्षा में किस तरह से लोग मतलब भविष्य में जो चुनाव होना है उसके ये लोग रिटर्निंग ऑफिसर हैं, इनको अक्टूबर और सितंबर में प्रशिक्षण दिया गया था। उसी प्रशिक्षण के उपरांत अब ये देखा जाएगा कि वास्तव में ये इन्होंने कितनी जानकारी प्राप्त की और उसका आउटपुट क्या रहा। माना जैसा चुनाव में इनकी मतलब भागीदारी रहेगी? यही मुख्य लोग रहेंगे, यही रिटर्निंग ऑफिसर हैं, यही लोग भविष्य में चुनाव कराएंगे।